तो जी राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों कृष्णा भाई के पास आए हम ऑटोनिक पे। भाई फ्रोंक्स आ रखी है, बेस मॉडल सिग्मा मॉडल, और ये भैया की खुद की गाड़ी है भाई। मतलब खुद की गाड़ी को भैया बिल्कुल बेस्ट टू टॉप कर रहे हैं। भैया ने पहले भी कर रखा था और इंटीरियर इसका कुछ ज्यादा ही, मतलब आज तक ऐसा इंटीरियर आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसे इंटीरियर भैया भाई अपनी गाड़ी में कर रहे हैं, प्लस पीपीएफ भी भैया ने कराई है। तो सब कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है, शानदार वीडियो होने वाली, एंड तक देखना भाई। प्लस गाड़ी का इंटीरियर बताना कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा इंटीरियर आपने अब तक की फ्रोंक्स में नहीं देखा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखना और कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लग रही है, ठीक है भाई। एंड में बताऊंगा गाड़ी में कितना कुछ खर्चा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी आपकी एक नई वीडियो का मोस्ट 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 वेलकम करता हूं। और आज फिर से आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो गाड़ी मेरा सपना थी और वो सपना मेरा आज जाके पूरा हो चुका है। ये गाड़ी वैसे तो एक साल पहले आ चुकी थी मेरे पास, पर इतना सारा आप लोगों का प्यार आ रहा था भरपूर भर भर के, जिस वजह से कभी हमने इसमें कुछ कराया, कभी इसमें कुछ किया हमने, जिस वजह से पूरी गाड़ी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और आज ये गाड़ी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिल्कुल परमानेंटली ओके और बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो दिखाने वाला हूं। आपने इसकी शॉर्ट वीडियो भी कई देखी होगी, जिसमें कई जगह इसमें पीपीएफ आपने देखा होगा, कई जगह आपने इसमें वाइपर लगता हुआ देखा होगा, इंटीरियर देखा होगा, म्यूजिक सिस्टम देखा होगा, जो बहुत ही ज्यादा एक कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा पूरा आपको आउटपुट देने वाला है। एक ब्रांड में म्यूजिक सिस्टम लगा है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अल्पाइन जैसा आप जानते हो एक काफी अच्छा ब्रांड है, उसमें लगा है। तो सारी चीजें डिटेल में दिखाने वाला हूं, यहां तक कि जो अभी ये गाड़ी शाइन मार रही है, इतनी ज्यादा अमेजिंग ये गाड़ी लग रही है। और कोई बोल नहीं सकता ये गाड़ी का अभी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट होके आया है और एक्सीडेंट में मतलब क्लेम होके उसके बाद ठीक ठाक होके उसके बाद आई है। आप इसके सामने एक नई गाड़ी जो शोरूम से जस्ट आ रही है वो रख दो और इस गाड़ी को रख दो, उससे मतलब कह सकते हो आप 200% ज्यादा खूबसूरत और 200% ज्यादा ही चमक रही होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी पीपीएफ। पहले तो आप देख सकते हो इसमें काफी अच्छे लेवल पे इसमें पीपीएफ हो गई है, जो गरवारे ब्रांड की है, आप जानते हो काफी अच्छा ब्रांड है, वहां पे आप देख सकते हो वहां पीपीएफ रखी हुई है, प्लस गरवारे प्लस की इसमें पीपीएफ लगी है। और इसकी पूरी डिटेल पीपीएफ की वीडियो जो है वो अपने चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो आज अभी जो है उसमें ज्यादा टाइम नहीं करेंगे आगे वेस्ट, आपको स्पेशली इसमें दिखाएंगे कि क्या क्या काम हुआ और आप किस बजट के अंदर वो सारा काम करा सकते हो। एज अ फुल एंड फाइनल पैकेज आपको दे दूंगा, जिसके आपका काफी सारी चीजें आपको एज अ हिंट भी मिल जाएगा और काफी अच्छे लेवल पे सारा काम भी आप करा सकते हो। जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें डीआरएल, जैसा मैंने आपको काफी पहले भी दिखाई है सेम इस गाड़ी की, इसमें डीआरएल आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जो आप सीधा चाबी ऑन करोगे और ये DRL आपकी ऑन हो जाती है। पार्किंग ऑन कर देने से ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगी और इंडिकेटर देने से एग्जैक्टली आपका इंडिकेटर प्रॉपरली वर्किंग हो जाता है। इसके साथ इसके अंदर आज LED फिर वही इंस्टॉल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, 180 वॉट, और उसको थोड़ा सा अपडेट किया हमने 220 वॉट के अंदर, जैसा इसमें आप देखोगे। और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग LED लग गई है, जैसा आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा थ्रो हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग चुकी है। देखोगे आप यहाँ पे, ये देखो कितना शानदार, कितना अमेजिंग यहाँ पे थ्रो हो चुका है सिर्फ 220 वॉट LED में। पहले 180 था, 40 वॉट अपडेट किया है क्योंकि गाड़ी में कुछ और ज़्यादा अच्छी अपडेट सेशन करनी थी, और प्लस ये गाड़ी जो है अभी मेरे छोटे भाई की शादी है उसमें भी जानी है, तो एक तरीके से पूरी कंप्लीट मॉडिफाई होके और जो हो सकता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हुई है। तो LED का आप थ्रो देखोगे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अल्टीमेट है, और ये LED से आप कितना मर्जी लंबा ट्रैवल कर लो आपको कभी भी रोशनी में कमी नहीं देखने को मिलने वाली, ये सबसे अच्छा पार्ट आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप फ्रंट की तरफ जाओगे तो फ्रंट में पूरी ग्रिल जो है उसकी चेंज हो चुकी है, जो टॉप मॉडल वाली आती है पियानो ब्लैक वाली वो है, और ये ग्रिल मैं आज नहीं एक साल पहले ही इसमें चेंज करा चुका हूँ, आपने कई वीडियोज़ में हमारा देखा होगा। ये एज अ डिटेल एक रिव्यू वीडियो है कि फ्रोंक्स ऑटोनिक कैसी हो सकती है और कैसी है। वैसे तो टाइम की कमी की वजह से एक दो चीजें छूटी है, वो भी मैं आने के बाद जरूर आपको दोबारा जो चीज मैं बता रहा हूँ छूटी है वो भी दोबारा बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे है। इसके बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हर एक वीडियो में, क्रेटा वाला साउंड हॉर्न इसके अंदर लगा हुआ है, जो हमेशा आपको लगता है दिखाऊंगा, साउंड भी आप सुन सकते हो, बहुत अच्छा खासा साउंड इसमें मिल जाता है, जो नॉर्मल साउंड जैसे पहले बेसिक का जो गाड़ी में लगा होता है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो जाता है, काफ़ी अच्छा अपडेट हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ का इंडिकेटर आता है बेस मॉडल का कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और एज इट इज़ वो यहाँ पे आ जाता है। एक बार मैं आपको लॉक अनलॉक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्किंग और कैसा मेन इसका जो काम होता है वो किस तरीके से, वो भी बॉडी कलर में है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और पीपीएफ होने के बाद ना एकदम शाइन गाड़ी कर रही है, तो ये तो भाई दिल को छू गई आज गाड़ी। जिस दिन ये गाड़ी नहीं आई थी ना उससे ज़्यादा
फरारी, उससे ज्यादा अच्छा मुझे आज फील इस गाड़ी को देख के आ रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है। बाकी आपने देखा होगा हमारे पास हमेशा अलॉय लगते हैं टॉप मॉडल वाले, सेम आज जेन्युइन अलॉय। इसमें भी आप देख पा रहे हो ये ऑलरेडी हमारा पहले लग चुका था, बाकी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मौका ही नहीं मिलता क्योंकि इतनी गाड़ियां होती कस्टमर की, इसलिए अपनी गाड़ी जो है वो साइड में हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपका डोर वाइजर है जिसको आप रेन वाइजर नेक्सा जेन्युइन जानते हैं। विंडो गार्निश है आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हैंडल क्रोम आ चुका है, नीचे साइड बोर्डिंग का ऑप्शन होता है वो भी आप करा सकते हैं। बाकी जो डोर में डैम्पिंग हो चुकी है उसका काफी अच्छा ऑप्शन होता है। डैम्पिंग से आपको पता है मैं हमेशा मारुति की गाड़ी में रिकमेंड करता ही करता हूँ, जिससे कि आपकी डोर हैवी हो जाए और हमेशा जो बाकी गाड़ियां हैं एज अ टाटा की या महिंद्रा की गाड़ी से अगर आप कंपेयर करें तो काफी ज्यादा आपकी डोर जो है वो एक तरीके से मान के चले कि एक बराबर हो जाए। अगर सिर्फ डैम्पिंग करने से आप अपनी गाड़ी अपडेट कर सकते हो तो क्यों ना डैम्पिंग की चेंज किया जाए, डैम्पिंग इंस्टॉल कराया जाए। क्योंकि एज अ एल्युमिनियम की शीट होती है जो आपके अंदर वाले लेयर में और बाहर लेयर में दोनों लेयर में लगाई जाती है, जिससे आपके डोर काफी हैवी हो जाते हैं और बिना डैम्पिंग के आप गाड़ी चलाते हो, डैम्पिंग के बाद जब आप गाड़ी चलाते हैं दोनों में जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। इसके बाद एक बार पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या क्या है, फिर चलेंगे अंदर एक शानदार इंटीरियर और एक बहुत शानदार म्यूजिक सिस्टम की तरफ। गाड़ी में जो होता है मेन तीन तरीके की चीजों से ही काम होता है, एक्चुअली चार तरीके की चीजों से। सबसे पहले मारुति जेन्युइन जो नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज आती है उनकी तरफ से, जैसे मैंने बताया यहाँ पे डोर वाइजर है, हैंडल क्रोम है, साइड विंडिंग आ जाता है और भी काफी सारी चीजें हैं आपका, जैसे आपका अलॉय हो गया, आपका मिरर हो गया, आगे हेडलाइट है, डीएल है, पीछे टेल लाइट है, काफी सारी चीजें हो जाती है। और दूसरे नंबर पे आपकी लाइटें जैसे कि हेडलाइट हो गई, तीसरे नंबर पे आपका इंटीरियर और चौथे नंबर पे आपका म्यूजिक सिस्टम। तो ये चारों नंबर से आपकी गाड़ी अगर कंप्लीट है तो आप एक कंप्लीट एक कस्टमाइज गाड़ी मॉडिफाई गाड़ी में आप बैठे हैं, जैसे कि ये गाड़ी आपके सामने देखने को मिलने वाली है। अगर पीछे देखते हैं फिर अंदर चलेंगे और सच में मेरा दिल बहुत खुश है आज ये गाड़ी को देख के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन ये गाड़ी आई थी उससे ज़्यादा आज मैं खुश हूँ क्योंकि इतनी अच्छे लेवल पे आज ये मॉडिफाई हुई है। चलते हैं एक बार पीछे और पीछे देखते हैं क्या क्या काम। इसके साथ साथ अब बैक लुक में आ चुका है और बैक लुक में आप ये नंबर भी आप सर्च कर सकते हो, DL10CV3417। ये गाड़ी मेरे खुद के नाम पे रजिस्टर है, किसी ओनर किसी कस्टमर की गाड़ी नहीं है। सबसे पहले आप इसमें देखोगे आज से सेम एक साल पहले ये अपनी DRL थी जो आज लगी है। और बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट कंप्लेन आती है कि भैया DRL ख़राब तो नहीं हो जाएगी, इसकी वारंटी क्या है, कंपनी की जेन्युइन है या नहीं है। तो आज तक शायद मैं सैकड़ों में इसकी गिनती नहीं कर पाऊंगा, लगभग 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा ये टेललाइट हमने बेची है, ये टेललाइट हमने लगाई है गाड़ियों में। सेम इस गाड़ी में सबसे पहले नंबर पे टेललाइट लगी थी और आज तक वो जल रही है ऊपर वाले की कृपा से। और ये मेरे सामने रोजी रोटी है, इसके सामने मैं बोल सकता हूँ, इसके साथ हाथ रख के बोल सकता हूँ कि सेकंड टेललाइट मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, वही टेललाइट है और आगे भी यही टेललाइट जलेगी क्योंकि कंपनी की जेन्युइन लगाता हूँ हमेशा, जैसे अपनी गाड़ी में लगाता हूँ वैसे ही ऑरो की गाड़ी में भी। इसके साथ सेम इससे मैच करते हुए रिफ्लेक्टर है जिसे आपने हमारी बहुत सारी वीडियोज में देखा है और काफी अच्छा काफी अमेजिंग इसमें लुक आपका देखने को मिल जाता है। सेम एज अ इंडिकेटर पे आप देखोगे जैसा यहाँ इंडिकेटर वर्क करता है वैसे ही यहाँ पे वर्क करने वाला है। इसके साथ यहाँ पे बैक कैमरा है जो एज इट इज फिटमेंट हो चुका है, 0-0 फिटमेंट इस जैसा आपका टॉप मॉडल में आता है। और साथ साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे इक्वलाइजर 1300 वॉट है, अभी पार्सल ट्रेस में डल जाएगा, ऑप्शन का होता है आपके पास। नीचे बूट मैट है जो काफी अच्छा लुक आपका हो जाता है और काफी आपका ना एक पूरा एक कह सकते हो हर चीज आप उसमें अच्छे से डाल सकते हो या मिट्टी वगैरह आप काफी अच्छे से साफ कर सकते हो, तो ये एक बेस्ट पार्ट आपका रहता है। अब चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें डिटेल में। इसके बाद आ चुका हूँ मैं फाइनली इंटीरियर की तरफ और जैसा आपको मैंने बताया एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शानदार इंटीरियर इसका हुआ है। जैसा आप देख सकते हो ऊपर की तरफ पूरा आपका वाइट कलर का फैब्रिक है, यहाँ पे टैन कलर है और इसकी आप कुशनिंग देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी कुशनिंग है, जितना आप इसको प्रेस करोगे उतनी कुशिंग, और पूरा बर्फी का पैटर्न डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी स्टिचिंग है, पूरा 0-0 फिनिशिंग 0-0 वर्क के साथ है। एम लाइट आप चेक कर सकते हो, मैं एक बार और इसको ऑन करके और ऑफ करके ऑन करता हूँ और इसमें एम लाइट का जो लुक है वो लुक आपके सामने में आएगा। ये देख सकते हो K4 लाइट है 10 पीस के साथ और काफ़ी अमेजिंग लुक रहता है इसका। इसको आप अपने हिसाब से अपने साथ चेंज कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा स्विच होता है इसका और स्विच से आप कंट्रोल कर सकते हो, जितने चाहो उतने कलर, जितने चाहो उतने ऑप्शन आपके पास होता है। आप यहीं से इसको ऑफ भी कर सकते हो, अपने फ़ोन में इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये देख सकते हो। मल्टी कलर अगर करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसा सॉफ्ट एज अ लेदर है और लेदर फिनिश के साथ है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इसमें आपको और देखने को मिलता है। जो मैं आपको काम बताता रहा था रह गया है वो इस एरिया में कुछ इसका पेंट का काम करना है, इस एरिया में इसमें पेंट का काम करना है और बहुत जल्दी आपके सामने वो वीडियो भी आने वाली है जिसका पूरा एज अ कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। पर आज अगर आपके पास जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास मेरे को जल्दी निकलना है थोड़ा सा, इसलिए टाइम कम था इसलिए अभी पेंट के लिए मैंने नहीं दिया। और ऐसे ही अगर आपके पास टाइम कम रहे या फिर आप अगर अच्छे से टाइम लेके आओ 2-3 दिन का तो आप भी सेम पेंट वर्क करा सकते हो,
एज अ लेदर कोटिंग के साथ पेंट भी होता है, कई ऑप्शन होते हैं, तो चॉइस आपकी होती है, आप अपनी गाड़ी किस हिसाब से किस चॉइस के ऊपर बना सकते हो। इसके साथ आप देख सकते हो शीशे के अंदर एक हल्की सी फिल्म लगी है, मैं ऊपर करके भी दिखा देता हूँ, जो हल्का सा आपको टिंट दिख रहा है शीशा आपका, एक एज अ 70% फिल्म है जो गरवारे ब्रांड की है, गरवारे कंपनी की है, जस्की कंपनी की PPF है उसी कंपनी की, इससे क्या धूप का रिफ्लेक्ट काफ़ी कम हो जाता है, लुक बहुत अच्छा हो जाता है, जो टॉप मॉडल में आता है सेम वही फिल्म है। और आप सेम इस एज अ डोर के अंदर देख सकते हो, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि एज अ बेस मॉडल आपका है, ये काफ़ी अच्छा लुक, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर अंदर की तरफ आएँ तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फ्लेट है, जिसका वेलकम लाइट के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी अच्छा लुक इसका देखने को मिलता है, बहुत छोटी चीज़ होती है पर वाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा आपको देखने को मिल जाता है, और इससे कई बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अंदर बाहर जाने में आपको काफ़ी अच्छा, मतलब एज अ चुभेगा नहीं, एज अ आपका लुक ख़राब नहीं होगा या फिर यहाँ पे स्क्रैच नहीं लगेगा, ये रीज़न होता है, और काफ़ी प्रीमियम लुक हो जाता है। अंदर फ्लोरिंग है जैसा आप नीचे देख सकते हो, और अपनी डाई वाली फ्लोरिंग है जो पूरा 0-0 फिटमेंट होती है, और इस फ्लोरिंग की सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्रॉपरली आगे से लेके पीछे तक एक सिंगल होता है, कोई एक्स्ट्रा टुकड़ा नहीं होता, कोई भी जोड़ा हुआ कटिंग नहीं होता, कोई सिलाई नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि शेप जो है वो सिल के बनाओ, पूरा ऐसे ही आता है और ऐसे ही लगता है नीचे पेस्ट होके एज अ बेलग्रो लग के, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद अपने मैट हो गए जो लॉन्ग लाइफ मैट है, और ये मैट आज इसलिए इतने गंदे हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 साल पुराने हैं, इसको अभी हमने इतना ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं कराया है क्योंकि आपको पता है मुझे निकलना है थोड़ा सा, तो अभी इतना ज़्यादा क्लीन नहीं कराया है अपना, सिर्फ मिट्टी जो है वही झाड़ी है अभी। और ये मैट का सबसे खास चीज़ क्या होता है कि हमेशा एज इट इज़ शेप वाइज रहते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते। अगर हमेशा कभी ऐसा लगता है कि ख़राब हो गए या मिट्टी वगैरह आ गई, तो आप इसको ईजिली पानी डालो, पानी मारो हल्का सा और पूरा साफ़ हो जाता है, ये अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद यहाँ वाला पैनल भी आप देख सकते हो, पूरा इंटीरियर में काफ़ी अच्छा लुक हो गया और ऐसा लग रहा है पूरा जैसे कि एज अ पेंटेड पार्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे एमबी लाइट छोटा पार्ट आता है, वहाँ पे पूरा लगा हुआ है, आप देख पाओगे एमबी लाइट, आप देख पाओगे पूरा। और इसके साथ साथ ही यहाँ के एसी वेंट्स तक जो है वो टॉप मॉडल वाले चेंज हो चुके हैं। इसमें ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारा होता है, कार्बन फाइबर का भी होता है, एज अ जो आप कलर चाहो वैसा भी आप करा सकते हो, तो चॉइस आपके पास काफ़ी सारी होती है, मतलब कि आप कह सकते हो। पर ये जो है एज अ टॉप मॉडल वाला हमने लुक दिया है, जैसे कि आप इसमें देख पाओगे, और सेम ऐसा ही यहाँ पे डोर पे भी है। एक्चुअली में ये 7 पीस के साथ आता है, जैसे टॉप मॉडल में 7 पीस आता है, चार आपके चारों पावर विंडो है, दोनों साइड के एसी वेंट्स, और एक जो है वो म्यूजिक सिस्टम के नीचे का एज अ नॉब आता है, एज अ जो पूरा पैनल आता है वो है। इसके साथ आप यहाँ पे स्विच भी देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फिटमेंट है। दो आपका यहाँ जो मिरर यहाँ से एज इट इज़ फिटमेंट के साथ है, पूरा 0-0। अब चलते हैं दूसरी तरफ, अंदर पूरा इंटीरियर देखते हैं और इंटीरियर में देखते हैं क्या क्या काम है और किस तरीके से सारे फिटमेंट है, पूरा 0-0 फिटमेंट के साथ आपको दिखाएंगे। और आज आपको हो सकता है कोई ओनर नहीं मिले इस गाड़ी का, क्योंकि ओनर ऑलरेडी आपको मैंने बताया मैं खुद हूँ इसका, पर आज सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी गाड़ी देख के। अगेन मैं तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ, जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग, उससे ज़्यादा और ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आ जाई है, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी सिर्फ इसका इंजन, सिर्फ इसकी बॉडी ली थी, पर आज एक्चुअल में ये गाड़ी बनी है। जैसे कहते हैं ना, घर जो है वो सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, घर घर वालों से बनता है, घर के रहने वालों से बनता है, उनके प्यार से बनता है। वैसे ही इस गाड़ी के अंदर सिर्फ आज एक इंजन, आज एक बॉडी नहीं है, आज एक इमोशन है जो मैं चाहता था पिछले 1 साल के अंदर, जो मैंने बहुत सारी गाड़ियों में किया है, वो पूरा काम एक तरीके से जो भी हो सकता था एज अ कस्टमाइजेशन के साथ, वो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। इससे पहले यहाँ पे स्टेयरिंग भी देख सकते हो, ये सेम आज से 1 साल पुराना लगा हुआ है, इसमें हमने अभी कोई चेंज नहीं किया दोबारा, एज इट इज़ टॉप मॉडल वाला है, सेम आप लगवा सकते हो। बाकी इसमें इससे ज़्यादा और अच्छा होता है कि आप अगर दोनों तरफ लेदर रैप, यहाँ नीचे अलग लेदर रैप, ऊपर अलग लेदर रैप लो, तो वो बाकी अभी हमने चेंज नहीं करा इसको, अभी बहुत जल्दी जब दोबारा इंटीरियर हम करेंगे तो उसमें कुछ और हटके कुछ सरप्राइजिंग आपके लिए रखा हुआ है स्टेयरिंग के अंदर भी, तो ज़रूर वो लेके आने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लेना, जिससे ऐसे ही डिटेल आपको देखने को मिलती रहे। अब चलते हैं उस तरफ और अंदर देखने क्या क्या सारा काम है। सो फाइनली अंदर आ चुके हैं और अंदर आप देखोगे सबसे पहले तो सीट कवर है, एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस सीट कवर है, जैसे मैं आपको हर एक गाड़ी में दिखाता हूँ। इस सीट कवर की सबसे खास बात 3 बात है जो मैं पिछले 5 साल से आपको बताता आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने वो बात कैच की है, नोट किया है, तो हमारे पास आए हैं सीट कवर लगवाने के लिए। मैं वही कहूँगा कि आप भी वो बात ज़रूर एक बार चेक करिएगा कि सच में कह रहा हूँ या नहीं। सबसे पहली चीज़, ये सीट कवर का जो फैब्रिक होता है ना, रियल इसकी थिकनेस जो इसका रियल फील है, रियल जो इसका
गुडनेस है वो है इसका फैब्रिक। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी एज अ कपड़े वाली चीज़ में या किसी भी पहनने वाली चीज़ में या किसी भी यूज़ करने वाली चीज़ में अगर उसका फैब्रिक अच्छा होता है ना, तो वो हमेशा लॉन्ग टाइम चलता है, आपको हमेशा वो सुख देता है, अच्छा फील कराता है। अच्छा एक कपड़ा अगर अच्छा है तो हर चीज़ अच्छा है आप कह सकते हो। तो जब आप इसको ऐसे हाथ लगाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा रॉयल, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कहीं ना कहीं फील आपको देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ है, इसका रीज़न क्या है, ये इंडियन फैब्रिक नहीं है, ये बाहर का फैब्रिक है और काफ़ी अच्छा, मतलब एक बहुत सारे लोग बोलते हैं इटालियन लेदर, आपका अमेरिकन लेदर, थाईलैंड लेदर, देखो लेदर कहीं भी नहीं बनता, लेदर एक ही जगह से आता है, पर ये जो फैब्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप आओ एक बार इसको ऐसे करके चेक करो, ऐसे हाथ लगा के देखो इसका क्या फील है, क्या गुडनेस है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेकेंड नंबर पर जो हम इसकी फिटमेंट देते हैं उसकी रीज़न की वजह से आप देख सकते हो ऐसा ना पूरी सिमेट्री बनती है, देख सकते हो ये पूरी ना एज अ थाई सपोर्ट बन जाता है। और थर्ड जो इसकी कुशनिंग है, पहले जब ये सीट कवर नहीं लगे हुए थे ना, आप देखोगे ना ये वाला हिस्सा जो है वो ऊंचा था और ये ऐसे नीचा था, तो ऐसा ऐसा लगता है हम गड्ढे में बैठे हुए हैं, पर अब आप देखोगे ये तो पूरा बराबर हो गया है और ये और ज़्यादा ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह से एज आपका बैक, आपका थाई सपोर्ट और पूरा बैक सपोर्ट आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक अमेजिंग फील आपको देखने को मिलता है, आप चाहे 200 किलोमीटर, चाहे 400 किलोमीटर, चाहे 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर भी गाड़ी चला लो ना, जैसे अभी मैं सिंगल ड्राइव करके लगभग 1100 किलोमीटर अभी जस्ट इस वीडियो को खत्म होने के बाद ही जाने वाला हूँ, और उसका भी हो सकता है आपको पूरा एक एज अ ब्लॉग टाइप से आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है चैनल पे, क्योंकि वन टाइम में इतना लंबा गाड़ी वैसे दूसरी बार चलने वाली है, पहले एमपी गई थी एक बार, उसका दूसरी बार अब चलने वाली है, तो एक बार ज़रूर आप देखना अगर होगा तो अपने चैनल पे ही। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक बार सब्सक्राइब ज़रूर आप कर देना, बाकी आप लुक देख सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने जैसा आप चाहो उस हिसाब से आप अपना कस्टमाइज करा सकते हो। इसका रीज़न क्या है, खुद की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और ये एज अ एक कस्टमाइज सीट कवर है। आज से पहले लगभग 4 से 5 हज़ार गाड़ियों में हमने 3 थ्रेड वाला सीट कवर दिखाया है, मतलब कोई गिनती नहीं है इतने सीट कवर दिखाए हैं, एक दिन में 10-10 गाड़ी में दिखाया, 10-10 गाड़ी में। और ये सीट कवर आज कुछ अलग ही डिज़ाइन हमने लॉन्च किया, नया डिज़ाइन, एक कस्टमाइज डिज़ाइन, ऑटो यूनिक सिग्नेचर पैटर्न लॉन्च किया है, जैसा आप इसमें देख सकते हो। आप देखो इसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, बीच में ना हल्के हल्के से डॉटेड मिल जाते हैं, जिससे आपको जो बैक में है जो भी एज अ पसीने का इशू आता है या फिर जब आप लंबा ट्रैवल करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कपड़ा जो है वो चिपक रहा है, तो वो कभी भी आपको इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एक वेंटिलेशन सीट का जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल गया है। देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है, सेम ऐसे ही ड्राइवर सीट पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप बात करें, यहाँ पे अलग से ही वाइट कलर की पट्टी बन गई है, यहाँ पे छोटे छोटे जैसे बर्फी बन गए हैं, एज इट इज़ बहुत ही प्रीमियम हो चुका है। और अगर आप जैसे हमने इसमें एज अ डोर के अंदर भी सेम बर्फी का लुक दिया है, ऊपर की तरफ वाइट का लुक दिया है, और ऐसे ही सेम डैशबोर्ड में भी आप देखोगे, देख सकते हो बिल्कुल प्रीमियम लुक है और बिल्कुल सेम एज इट इज़ वाइट कलर के साथ है। डैशबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट अपर इंटीरियर हुआ है वैसे ही यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड है, तो जैसे ही अगर मैं डोर बंद करूँगा तो पूरा ऐसा डैशबोर्ड पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है डोर के साथ पूरा सीट टू सीट मिलता हुआ जाएगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही सेम सीट कवर का पैटर्न, सीट कवर का डिज़ाइन कहीं ना कहीं किया हुआ है, हल्का हल्का वाइट थीम डाला हुआ है, पूरा टैन कलर है, और ये एक अलग ही पैटर्न, अलग ही डिज़ाइन है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। आज फर्स्ट टाइम ये डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन यूट्यूब, और देख लेना ये डिज़ाइन आने वाले टाइम में आपको बहुत गाड़ियों में देखने को मिलेगा, बहुत का मतलब बहुत गाड़ियों में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ ना आप कह सकते हो ऑटो यूनिक पे होती फर्स्ट टाइम में, पर हमेशा वो आपको बहुत सारी गाड़ियों में देखने मिलता है, क्योंकि हर चीज़ हम वही लेके आते हैं जो चलने वाली होती है, जो लोगों की पसंद होती है, पसंद करते हैं लोग, जैसे अपना 3 थ्रेड वाला पैटर्न था, 3 थ्रेड वाला डिज़ाइन था, वैसा ही सेम। अगेन आप इसमें चेक कर सकते हो, एक सिंगल रिंकल नहीं मिलने वाला, पूरी फिटमेंट 0-0 है, बहुत अच्छी बहुत प्रीमियम फिटमेंट है कहीं ना कहीं। देखो सीट कवर में आप जितनी तारीफ कर लो ना उतना कम होगा, आप पूरे इंडिया से कंपेयर कर लो, कहीं पे भी कंपेयर कर लो, आपको ऐसे सीट कवर नहीं मिलने वाले। मैंने फिर बताया उसकी खुद, उसका रीज़न क्या है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, फिटर हमारे पास इतने शानदार हैं जिसके चक्कर में इतनी अच्छी फिटिंग आती है, प्लस ये जो फैब्रिक है इसमें टोटल 40 mm की कुशनिंग होती है, 21 mm फैब्रिक के साथ अपना जो फैब्रिक है उसके साथ फोमिंग होता है, और 19 mm इसमें आप 21 mm मेमरी फोम लगता है, 19 mm आपका फैब्रिक के साथ पेस्ट होता है, ये रीज़न होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट है जिसकी फिटमेंट भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी है, और ये भी आज से 1 साल पहले जब गाड़ी आई थी तब का ही लगा हुआ आर्मरेस्ट है। इसके साथ अपने यहाँ गियर नॉब है वो यहाँ चेंज हो चुका है, इसके साथ साथ फाइनली अंदर आ चुका है, और जैसा मैंने बताया स्टीयरिंग इसका एज इट इज़ अभी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे अपना IRVM है जो हमने 1 साल पहले ही चेंज कर लिया था,
ये ऑटोमेटिक वाला है और जो नॉर्मल आता है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये IRVM आपका डेल्टा मॉडल, डेल्टा प्लस मॉडल तक भी नहीं आता है, तो आपके पास ऑप्शन आप इजीली ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे एज इट इज़ यहाँ पे अपना IRVM है, जो ड्राइवर साइड भी चेंज है और एज इट इज़ को ड्राइवर साइड भी चेंज है, ये भी आप देख सकते हो एक साल पहले ही चेंज है। और एज इट इज़ आप देखोगे यहाँ पे ना सेंसर के साथ वर्किंग होता है, लाइट भी है और पूरा यहाँ पे आपका शीशा भी है प्रॉपरली। इसके साथ जो नई चीज़ है और जो बहुत अमेजिंग चीज़ है वो है यहाँ पे पूरा का पूरा न्यू सिस्टम, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा पूरा डबल नोब, ये जो अपना एज आ म्यूज़िक को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये जो है एज आ आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। स्टीयरिंग के साथ तो आपका वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल ऑलरेडी है, जैसे मैं देखोगे माइनस कर रहा हूँ वहाँ पे पूरा का पूरा माइनस हो रहा है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे आपको 4GB 64GB के साथ पूरा का पूरा इसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है, जेन लिंक से आप एप्पल कारप्ले वायरलेस और वायर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। एक तरीके से आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा आपका दूसरा फ़ोन या दूसरा लैपटॉप है, यहाँ तक कि इसमें आपको कैलकुलेटर का पूरा सेटअप मिलता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो गूगल का पूरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है, ये देख सकते हो एज अ गूगल है। अभी जो हमने नेट कनेक्ट नहीं किया है इसके अंदर, बाकी यहाँ पे फ़ोन है, फ़ोन एज इट इज़ आप कनेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको मिलता है, जिससे नॉर्मल सिस्टम में भी आपको मिलता है। बाकी ब्लूटूथ से आप इजीली अपने फ़ोन को जैसे ही कनेक्ट करोगे वैसे ही आपका फ़ोन चाहे कोई भी हो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और एप्पल कारप्ले तो वायरलेस इसमें ऑलरेडी इसमें है ही, वो आपको मैक्सिमम सारे सिस्टम मिलता है। पर इसमें खास बात क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके फ़ोन में अगर आप जाओगे तो ऐसे ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पे वाईफाई और आपके यहाँ पे नेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हॉटस्पॉट का ऑप्शन होता है। वैसे ही जब आप इसमें सिम डालोगे ना तो आपके सिम से ये सारा कुछ ऑपरेट होगा, ऑपरेट पूरा चलेगा, कितना MB यूज़ हो गया ये सारे कुछ। अभी इसमें सिम डालने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप जैसे इसमें देख भी पाओगे। तो फाइनली एक बार मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ, कितनी ज़्यादा अमेजिंग इसकी वीडियो क्वालिटी है वो आप सिर्फ इसी से हम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और जैसे ही आप कंट्रोल करोगे यहाँ पे जो साउंड आउटपुट है वो आपको देखने को मिलता है, सिर्फ 4 साउंड पे इतना अच्छा साउंड आउटपुट देखने को मिलता है, ये सबसे अच्छी चीज़ आ गया है। बाकी एक बार अभी लास्ट में साउंड भी सुनाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के बीच में कोई कॉपीराइट आए, इसलिए अभी ये साउंड बंद कर देते हैं। बाकी आप लोगों के जरूर एक बार साउंड आउटपुट लास्ट में जरूर सुनाएंगे। और बाकी एक बार मैं आपको बैक कैमरा जो लगा हुआ है उसका भी क्लैरिटी दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है, बिल्कुल साफ सुथरा जैसे फ़ोन का कैमरा आता है वैसे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी टाइम हो रहा हो एज इट इज़ टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा आउटपुट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ही अगर बात करते हैं जो भी चीज़ एज आपके फ़ोन में एज आपके म्यूज़िक सिस्टम में होना चाहिए वो हर चीज़ इसके अंदर है, चाहे FM की बात करूँ या नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डिज्नी हॉटस्टार, जितनी भी चीज़ की ऑप्शनिटी होती है वो सब कुछ है यहाँ तक कि इसमें एज अ DSP का सेटअप मिलता है। हर तरीके से आप अपने साउंड को सेट कर सकते हैं एक बेस्ट आउटपुट के साथ। इसके साथ साथ हमने जो एक साल पहले मोरल के स्पीकर लगे थे वही आज भी स्पीकर लगे हुए हैं, और प्लस उस तरफ हमने आपका 2 चैनल साउंड ब्लास्ट की अपने एम्पलीफायर लगाया है जो एज इट इज स्पीकर से कनेक्ट है, और इस तरफ जो है आपका अल्पाइन का एज अ 4 चैनल एम्पलीफायर है जो कि आपका पूरा बूफर से कनेक्ट है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्विच लगा है नीचे की तरफ जो ऐसा अगर आप बूफर चलाना चाहो तो बूफर से आप कनेक्ट करके चला सकते हो, और अगर आप एज आ सिर्फ स्पीकर और एम्प छोटा जो एम्प लगाए तो 2 चैनल उसके साथ चलाना चाहो तो वो आप चला सकते हो। इसके साथ आप एक बार Ambilight की भी फिटमेंट चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी फिटमेंट है। मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, मैं चारों डोर की बात करूँ, हर जगह से आपको बहुत अच्छी फिटमेंट है, और अगर आप सिंगल कलर इसमें करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, यानी कि आपके हिसाब से आपका मनपसंद जैसा आप चाहो वैसा आप ले सकते हो। ये भी मल्टी कलर हो गया, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हैं। ट्विटर है सेम, अपने जो कंपोनेंट्स के आते हैं अंदर ट्विटर आते हैं वही ट्विटर इसके अंदर लगे हुए हैं ट्विटर शीशे के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट बैक वाला पूरा अपना हीरो कंपनी का आपका डैश कैम्प है जो पूरा अभी एक्टिव मोड में है, ये भी ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो, और एज इट इज़ काफ़ी अच्छी इसकी क्लैरिटी आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अभी फ्रंट कैमरा चल रहा है, और अगर आप यहाँ पे अगर बैक कैमरे की तरफ करने जाओगे तो ये बैक कैमरा भी यहाँ पे हो जाएगा, ये रहा ये स्कैन आ गया, अगर आप इसको स्कैन करते हो तो आपके फ़ोन में ही ये डाउनलोड हो जाता है। और सेम इसी के साथ साथ यहाँ पे बैक कैमरा आप देखोगे एज इट इज़ पूरा देखने को मिल जाता है, ये एक अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ। और अगर लॉन्ग ट्रैवल आप करते हो या लंबी आपकी गाड़ी चलती है या डर होता है कि एक्सीडेंट में कभी कभी आपको लोग परेशान ना करे, तो उसके लिए आप ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आप लगवाओ कि वो कंपनी का है जो एज आपका हीरो से टाइप है, हीरो का एक ब्रांड है। इसके बाद अगर आप देखोगे एक छोटा सा और इसमें चीज़ लगी है वो है वायरलेस हूटर, आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ एज आ चालू करके तो ये हूटर ऑन हो गया। एक बार बाहर चल के साउंड सुनते हैं कैसा साउंड है इसका। तो फाइनली ये वायरलेस माइक है भी है और एज आ हूटर का भी काम करता है, जैसे मैं आपको दिखाया था। हेलो हेलो हेलो
जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ वैसे ही आप देखोगे उसके अंदर भी जो है साउंड आ रहा है एज आपके हूटर के अंदर, तो दोनों ऑप्शन आपके साथ चल रहे हैं। और अगर मैं इसमें बजाऊँ तो ये भी आपका एक तरीके से वर्क रहता है। तो एक छोटा सा है जो ऐसा लग चुका है, बाकी जैसे हम आएंगे गाँव से इसको निकाल के इजीली रख देंगे क्योंकि हमारे कोई यूज़ का नहीं है, काम का नहीं है, बस ऐसा अभी जो है वो कुछ टाइम के लिए लगवाएंगे। इसके बाद एक बार लास्ट अंदर भी देख लेते हैं जो भी चीज़ छुपी हुई है पीछे की सीट पे। उसके बाद मेन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर एक बार कमेंट में रिव्यू दीजिएगा अपने कि कैसी ये गाड़ी लगी। ये मेरे दिल के बहुत करीब गाड़ी है और मेरे मतलब एक कह सकते हो पूरे एज अ ड्रीम एज अ मन से पूरी गाड़ी बनी है, तो एक बार ज़रूर आप अपने रिव्यू दीजिएगा। चेक करते हैं कैसा पीछे के एसी चल रहा है और बाकी सीट की फिटिंग है, उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली पीछे आ चुके हैं और पीछे आप देखेंगे सीट की फिटमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत अमेजिंग है। जैसा मैंने दिखाया जो एक कुशनिंग होती है, एक जो सिमेट्री होती है, वो सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे एसी जो है वो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से पूरा वर्किंग है। ये देखो पूरा एसी अभी चल रहा है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये अभी बंद हो चुका है बिल्कुल। अगेन मैं ओपन करूंगा, ये देखो ये चालू हो गया। फिर नीचे जो अपनी एम एल नाइट का 10 पीस वाला पार्ट लगाया हुआ है एज इट इज़ यहाँ पे है। यहाँ पे जो कुछ है वो एम्पलीफायर है अल्पाइन कंपनी का, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया है प्रॉपरली पूरा फिटमेंट है। तो ये एक बेस्ट पार्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अब आपको मैं लास्ट एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितनी भी चीज़ इसके अंदर हुई है ना वो सारी चीज़ें ही मेरे दिल के करीब है। दिन रात हमने ये काम किया है और दिन रात मेहनत करके हमने ये गाड़ी बनाई है एज इट इज़। कैसा आपको ये गाड़ी के अंदर रिव्यू लग रहा है, कैसा ये गाड़ी आपको लग रही है? हाँ एक चीज़ रह गया था लास्ट पीछे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पहले लग गया था तो अभी बताने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अभी लगाया कब लगाया। मैं एक बार वाइपर भी है वो भी इसका पूरा फाइनल आपको दिखा देता हूँ कि कैसा इसका वाइपर वर्किंग है, पूरा वॉशर कैसा वर्किंग है। ऑलरेडी आपने देखा होगा हमारे वीडियोज़ में 1 साल पहले ही ये लग चुका है ऑलरेडी। अब देखेंगे जैसे ही मैं अंदर से ऑन करूँगा ये पूरा वाइपर ऑन हो गया और अभी ये वाइपर चल रहा है। इसके साथ साथ ही जैसे मैं पानी ऑन करूँगा ये पूरा पानी चल रहा है, पानी भी वॉशर भी पूरा चल रहा है एज इट इज़ पूरा का। और इसके स्पीड का ऑप्शन भी होता है एज अभी अगर मैंने स्लो किया, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ तो ये फास्ट हो रहा है ये प्रॉपरली। इसके साथ साथ ही कैसा आपको सारा काम लगा, कैसा आपको लगा एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं एक बार टाइम दिखा देता हूँ, सुबह के 7:12 हो रहे हैं, हमने पूरी रात में ये गाड़ी को है रेडी किया है। हम रात को काम नहीं करते और सुबह अभी निकलना था इसलिए रात को जो है वो सारा काम हुआ है। पीछे आप देखेंगे सुबह 7:22 हो रहा है, सुबह सुबह गुजरात से जो है वो गाड़ी भी आ चुकी है अपने पास एक। और इस तरीके का इतना अच्छा आपका प्यार मिलता रहता है, इतना सम्मान मिलता रहता है, जिस वजह से हम बेस्ट टू बेस्ट अपनी गाड़ी में आपको दे पाते हैं जैसा अभी आपने इसमें देखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई कैसी लग रही है गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना, मतलब बढ़िया काम हो गया भाई, बिल्कुल बेस्ट टू टॉप वाला इस गाड़ी में काम किया गया है। इंटीरियर कैसा लग रहा है स्पेशली यही भाई बताना, क्योंकि ऐसा इंटीरियर आपने अब तक नहीं देखा होगा फ्रॉक्स में। भैया की खुद की गाड़ी है भाई, खुद की गाड़ी तो भाई भैया शानदार बनाएंगे। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना भाई, बिल्कुल टॉप हुआ है नहीं हुआ ये भी कमेंट करके जरूर बताना। सिग्मा 2 अल्फा ये वाली वीडियो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम सिग्मा 2 अल्फा भैया ने मॉडिफाई कर दी, ठीक है। बाकी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना अगर आप भी इस तरीके से फ्रॉक्स करवाना चाह रहे हो भैया के पास आना, बढ़िया काम कर देंगे, ठीक है भाई। बाकी ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। कमेंट करके बताओ गाड़ी कैसी लग रही है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।